घोसी में उपचुनाव था और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को बम्पर जीत मिली है और इस मुद्दे पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर उदयवीर जी हमारे साथ मौजूद है। सर, ये जीत को लेकर के कहां तक पहुंचेंगे? 24 की लड़ाई क्या इस जीत से लड़ी जाएगी? निश्चित तौर पर 24 की लड़ाई में घोसी की जीत बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है और ये बहुत बड़ी जीत है। सभी जाति धर्म के लोगों ने सारी सीमाएं बंधन तोड़ के समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। हमारे उम्मीदवार घोसी के लाल के नाम से मशहूर सुधाकर सिंह जी को पूरा समर्थन दिया, समाजवादी पार्टी को पूरा समर्थन दिया। जो NDA गठबंधन बन रहा है उसके लिए भी बहुत शुभ संकेत के रूप में ये निर्णय आया है, तो सब बहुत खुश हैं और एक अच्छा माहौल और एक अच्छा संदेश गया है, तो निश्चित तौर पर आगे की राजनीति के लिए एक अच्छा कदम समाजवादी पार्टी की ओर से बढ़ा है। सरकार के 24 से ज्यादा मंत्री और खास करके डिप्टी CM वहां पर डेरा डाले हुए थे, चाय पिला रहे थे लोगों को, घर घर जा रहे थे। चाय नहीं पिला रहे थे। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से बेईमानी और रिश्वतखोरी से चुनाव लड़ना चाह रही थी। ऐसे नेता जो किसी सिद्धांत की बात नहीं करते, दल बदल करा लिया गया, सरकार नहीं बनी तो उम्मीदवार से इस्तीफा दिला के दल बदल करा लिया गया। ये क्यों बनेंगे? क्योंकि इन्हें मंत्री बनना है, बिना मंत्री के रह नहीं सकते। उनकी सिफारिश वकालत में कौन लगे थे? वो जिनका ना अपना कोई चरित्र ना अपना कोई दल, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जी नेतृत्व कर रहे थे, जिनके विभाग की कोई परफॉर्मेंस है ना, जिनकी कोई प्रदेश में कोई इमेज है। निम्न स्तरीय आरोप प्रत्यारोप, सरकारी गुंडागर्दी और लंपटगिरी की बातें लोगों के बीच में करना, प्रधान और BDCO को फोर्सिबली सत्ता की ताकत पर आजमगढ़ बुलाना, और ये कोई संगठन का आदमी, समर्पित आदमी, भारतीय जनता पार्टी का समर्पित नेता कार्यकर्ता कर रहा होता तो उसकी कार्यशैली अलग होती। उन लोगों की बात को कौन महत्व देगा जिनका अपना नेता क्लियर नहीं है, अपनी राय नहीं है ना अपनी कोई विचारधारा है। पहले कांग्रेस में थे, तिवारी जी के चेले थे, तिवारी जी के बाद उनके पुत्रों के विनय तिवारी के बंदूक उठा के चलने लगे, उसके बाद आगे चले तो मिश्रा जी मिल गए तो भारतीय बहुजन समाज पार्टी के नेता बड़े हो गए। बस इनमें ये गुण है कि इतनी आगा पीछा चापलूसी करते हैं कि वो तत्कालीन नेता को लगता है कि हम ही इनकी, हमारे सबसे बड़ा खास आदमी यही है। अब भारतीय जनता पार्टी में जाके कुछ लोगों को विश्वास में ले लिया, और वहाँ भी कब तक हैं कोई पता थोड़े है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं थोड़ा संकट आएगा तो सबसे पहले गाड़ी से कूद के ब्रजेश पाठक ही भागेंगे, और कोशिश कर भी चुके हैं पहले। तो इनकी अपनी कोई राजनीति नहीं, अपना कोई विचारधारा नहीं, अपना कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, ऐसे लोगों की जनता क्या सुनेगी? इसीलिए नतीजा समाजवादी पार्टी के पक्ष में आया, क्योंकि उसका उम्मीदवार पिछले 42 साल से समाजवादी पार्टी में ही है। अच्छा हुआ बुरा हुआ, लड़ा भिड़ा जो किया समाजवादी पार्टी में किया, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और पार्टी की नीतियाँ और कार्यक्रम सिद्धांत स्थायी हैं। जीते हारे जो हुआ, हमारी जो पॉलिटिकल लाइन है, हमारा दल उस पर चला है, हमारा उम्मीदवार भी उस पर चला है, जनता के बीच में रहे हैं और जनता के मुद्दे उठाने की हमेशा कोशिश की है। इस चुनाव में एक चीज और देखने को मिली कि जो भाषा का स्तर था वो बहुत निम्न तक गया। ओम प्रकाश राजभर जो कभी आपके सहयोगी होते थे, उन्होंने तमाम भाषाओं का इस्तेमाल किया। देखिए, ओम प्रकाश राजभर हमारे सहयोगी से पहले भाजपा के सहयोगी थे, और भाजपा के सहयोगी रहते रहते उन्होंने भाजपा के लिए क्या भाषा बोली, उसके बाद वो हमारे संपर्क में आए तब उन्होंने भाजपा के लिए क्या भाषा बोली, उसके बाद फिर भी भाजपा ने उनको ले लिया, भाजपा ने उनसे दोस्ती दिखाई, क्यों दिखाई भाजपा के लोग बेहतर जाने। आज वो समाजवादी पार्टी के बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि जब ओम प्रकाश राजभर जी खुद ही सीरियस नहीं है अपने बयानों के बारे में, वो TV पे बोलते भी हैं, तो उनके लिए हम और आपको ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। वो मीडिया का थोड़ा ध्यान आकर्षण करने के लिए, अपनी तरफ केंद्र में मीडिया का केंद्र बिंदु बनने के लिए कुछ बोल देते हैं और थोड़ा स्तरहीन बातें बोल देते हैं, वो नहीं बोलनी चाहिए, और हम उनके समर्थक नहीं हैं, हम उनकी इस विचार के समर्थक नहीं हैं, इसलिए हम उनके बारे में स्तरहीन बात कोई नहीं बोलेंगे। जनता जानती है, और मुझे लगता है TV मीडिया सामाजिक लोगों को भी इस तरह की बातों को सीरियसली लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए,
राजनीति एक गंभीर विषय है, इसको मजाकिया के रूप में नहीं प्रचारित करना चाहिए, मजाक में राजनीति को नहीं लेना चाहिए। इससे लोगों की रोजी रोजगार भविष्य जुड़ा रहता है, इसलिए इसको राजनीतिक विषयों की गंभीरता को सबको समझना चाहिए। अगला और अंतिम सवाल मेरा कि बसपा सुप्रीमो ने सीधे तौर पर कहा था कि जो उनके वोटर्स हैं या तो चुनाव से दूर रहें या तो नोटा दबाएं, लेकिन घोसी के जो परिणाम आए वो उस आह्वान के विपरीत आए। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जितना भी काडर है, वर्कर है, जो उनके वैचारिक लोग हैं, वो जानते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की और डॉक्टर लोहिया की वैचारिक बातें एक ही थी, नेताजी और काशीराम जी की वैचारिक सोच एक ही थी, उसी सोच के साथ साथ आए थे और हम भी बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किए थे, तो कोई वैचारिक झगड़ा नहीं था। सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का बहुजन समाज पार्टी में कोई अत्यधिक दबाव है, किसी तरह से ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं या कोई ऐसी बात है जो राजनीतिक नहीं है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अक्सर बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के बयान आ जाते हैं। पार्टी की राजनीतिक लाइन को उनके कार्यकर्ता समझते हैं, क्योंकि वो कैडर बेस्ड पार्टी रही है, इसलिए जो राजनीतिक विचार है उसके मुताबिक उन्होंने वोट दिया है। बहुजन समाज पार्टी, काशीराम जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, सारे लोग भी चाहते थे पीड़ित शोषित वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व हो, उनका सम्मान हो, उनको न्याय मिले। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के पुराने विचारक और संस्थापक भी यही चाहते हैं, इसलिए जब जब भारतीय जनता पार्टी पीड़ित शोषित वंचित अल्पसंख्यक इन सब का गला घोटने की कोशिश करेगी, तब तक मुझे लगता है ये दोनों विचारधारा के लोग एक साथ होकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया करेंगे, और वही घोसी में हुआ भी है। हमसे बात करने के लिए तो आपने सुना समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर उदयवीर जी को साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जब जब शोषित वंचित अल्पसंख्यकों का गला घोटने का प्रयास करेगी, तब तब विचारधाराएं जो है समाजवादी हो या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा हो, मिल करके घोसी जैसे परिणाम निकाल करके सामने लाएंगे। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।